क्योंकि धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है, धर्मांतरण से रीति रिवाज बदलता है, धर्मांतरण से तीज त्योहार बदलता है, धर्मांतरण से जीवन शैली बदलती है, लाइफ स्टाइल बदलती है, धर्मांतरण के बाद सोच बदलती है। और हमने कश्मीर में देखा है, कुछ दिन पहले फारूक अब्दुल्ला साहब ने एडमिट किया था, अभी कुछ दिन पहले गुलाम नबी आजाद साहब ने एडमिट किया कि हम सारे हिंदू हैं। जब सारे हिंदू हैं तो वहां के हिंदुओं को पलायन वहीं के हिंदुओं के वहां के मुस्लिम से क्यों करवा दिया, जब सारे हिंदू ही थे? क्यों? क्योंकि धर्मांतरण के बाद सोच बदल जाती है। धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है, धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरा है उससे निपटने के लिए हमारे पास कानून भी है, उसका नाम ही है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। इंग्लिश में कहते हैं एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन सरकारें लगाती नहीं, पता नहीं पुलिस कप्तान पुलिस कमिश्नर क्यों डरते हैं एनएसए लगाने से। मैं बहुत लोगों को बोला आप एनएसए लगाइए कन्वर्जन कराने वालों पे, लोग नहीं माने। फिर मैं सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात मान ली और 14 नवंबर 2022 के ऑर्डर में उन्होंने कहा कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। उस ऑर्डर को मैंने उत्तर प्रदेश गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर को दिया, गाजियाबाद का पुराना नाम गजप्रस था, अभी लेकिन अभी हम लोग गुलामी वाला नाम उसको यूज करते हैं, गाजियाबादी कहते हैं। और उन्होंने कुछ दिन पहले गेम जिहाद हुआ था, गेम के जरिए कन्वर्ट कराते थे, उसके ऊपर एनएसए लगाया। एनएसए लगाने के बाद एक प्रोसेस यह है कि आपको अगर पहली बार किसी विषय पर एनएसए लगाते हैं तो वो हाईकोर्ट के पास मैटर जाता है। हाईकोर्ट में सिटिंग जज और दो और मेंबर, टोटल 3 लोगों की कमेटी उसको एग्जामिन करती है। और खुशी है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कंफर्म कर दिया कि हाँ धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, और जो एनएसए लगाया ठीक लगाया। और एक बार लग गया उसके बाद तो बाबा जी की पुलिस पूरा एकदम पांचवें गियर में आ गई। अब तो यूपी में जहां धर्मांतरण होता है वहीं एनएसए लगा देते हैं, जब जब धर्मांतरण होता है एनएसए लगा देते हैं। एनएसए का फायदा यह है कि 1 साल जमानत नहीं होती, 1 साल नो बेल अंदर। ऐसा आप लोग महाराष्ट्र में भी कराइए, समझाइए कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा से जो निपटने के लिए कानून एनएसए है, प्लीज एनएसए लगाइए, एनएसए को इन्वोक करिए। क्योंकि उस समझाने बुझाने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा, धर्मांतरण रुकेगा सठे साठम समाचारे सिद्धांत पे चलने से। धर्मांतरण हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, और देश की एकता अखंडता के जो खतरे होते हैं उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है यूएपीए, जो अधिवक्ता बंधु है उनको यहां बैठे उनको पता है। जब कहीं धर्मांतरण की घटना आए, पुलिस कप्तान से मिलिए, पुलिस कमिश्नर से मिलिए और बोलिए ये यूएपीए देख लीजिए, आप कृपया इसके खिलाफ यूएपीए लगाइए। धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, संगठित अपराध है, उसमें एक व्यक्ति धर्मांतरण नहीं करता, पूरी चेन होती है। एक आदमी पैसा देता है, एक आदमी लिटरेचर देता है, एक आदमी घर देता है, एक आदमी बाइक उपलब्ध कराता है, पूरा चेन है, संगठित अपराध है। संगठित अपराध से निपटने के लिए जैसे यूपी में गैंगस्टर एक्ट है, ऐसे आपके महाराष्ट्र में मकोका है। जब कभी धर्मांतरण की घटना आए, तत्काल मंत्री से मिलिए, कमिश्नर से मिलिए, कप्तान से मिलिए, डीसी से मिलिए, जो भी हैं आपके, उनसे मिलके धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ आप मकोका लगवाइए। धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम, इसमें फंडिंग होती है, उनसे उनके ऊपर प्रेशर डालिए, इसकी प्रॉपर्टी जब्त करिए। और कोई कर ना रहा हो, यूपी की पुलिस कर रही है, कुर्की भी कर रही है, बुलडोजर भी चला रही है, एनएसए भी लगा रही है, यूएपीए भी लगा रही है। धर्मांतरण अपने आप में वेजिंग वॉर है, धर्मांतरण अपने आप में देश के खिलाफ एक अप्रत्यक्ष युद्ध है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, इस देश में बाबर आया था, युद्ध पहले किया ना उसने, युद्ध करके जीता, युद्ध करने के बाद उसने क्या किया, जरा जोर से बोलिए, क्या कराया हमारे पूर्वजों का? धर्मांतरण। जितने यहां आतताई आए उन्होंने जीतने के बाद लूटने के बाद क्या किया?
वो केवल लूटने नहीं आए थे, केवल राज करने नहीं आए थे। अगर लूटने आए होते, राज करने आए होते, तो भाई जब कब हमारे ऊपर राज उनका हो गया तो राज करते रहते। कन्वर्जन क्यों कराया उन्होंने? धर्मांतरण एक वेजिंग वॉर है, देश के खिलाफ युद्ध है। और इंडियन पिनल के पिनल कोड का सेक्शन 121 कहता है वेजिंग वॉर पे आजीवन कारावास और फांसी की सजा हो सकती है। आप लोग इसके खिलाफ आवाज उठाइए, जब कहीं कोई घटना आए तो 5 कानून लगवाइए। सबसे पहले एनएसए की मांग करिए, एनएसए लगाओ, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, देश की एकता अखंडता का मामला, यूएपीए लगाओ। ऑर्गेनाइज क्राइम है इसलिए महाराष्ट्र है तो मकोका लगवाओ, यूपी है तो गंगेसरेट लगाओ, गुजरात है तो गुजकोका लगाओ। फंडिंग हुई है प्रॉपर्टी जब्त करो। और धर्मांतरण एक वेजिंग वॉर है, युद्ध है देश के खिलाफ, हमारी डेमोग्राफी को बदलने के लिए युद्ध चल रहा है। अल्टीमेटली दो देशों का युद्ध होता है, जहां पे कब्जा करते हैं देश क्या करते हैं, वहां कन्वर्ट करा देते हैं। यही तो करते हैं, यही तो होता है 700 साल से। पहले मुगलों ने कन्वर्ट किया कब्जा करने के बाद में अंग्रेजों ने कन्वर्ट किया। उसके खिलाफ हमारे पास है, यूज नहीं कर रहे हैं। कहते नहीं, घर में बंदूक भी रखी है, घर में तलवार भी रखी है, घर में सब कुछ है, डकैत आ रहा है, फिर भी हम चुपचाप बैठे हुए। हंगामा करने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा, कानून की धाराओं को उपयोग करने से धर्मांतरण लगेगा। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाइए। आपके महाराष्ट्र की कोई ऐसा जिला नहीं है जिसमें डेमोग्राफी बदल नहीं रही। हर जिले में डेमोग्राफी बदल रही है और 3 तरीके से बदल रही है। घुसपैठिए आ रहे हैं, रोहिंग्या बांग्लादेशी आ रहे हैं, कन्वर्जन हो रहा है, जनसंख्या विस्फोट हो ही रहा है। तो जनसंख्या नियंत्रण का कानून नहीं है, वो जब आएगा तब आएगा, लेकिन आएगा, हमें पूरा भरोसा है। अभी नहीं तो कुछ दिन के बाद संसद भवन नई बन चुकी है, भारत में कॉमन सिविल कोड और पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ बहुत जल्दी आएगा। मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं, भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन फिर भी एक अपने अंदर की आत्मा की आवाज के हिसाब से कह रहा हूं, बहुत जल्दी यूसीसी भी आएगा, बहुत जल्दी पॉपुलेशन कंट्रोल भी होगा। लेकिन जब तक वो कानून आएगा तो जनसंख्या विस्फोट रुकेगा। लेकिन घुसपैठ रोकने के लिए और धर्मांतरण रोकने के लिए तो जो एग्जिस्टिंग कानून है उनको यूज करवाने की जरूरत है। कैसे यूज होगा? शादी विवाह के लिए छुट्टी करते हैं कि नहीं? जोर से बोलिए। घूमने टहलने के लिए छुट्टी करते हैं कि नहीं? जब ऐसी कोई घटना हो, एक दिन सब लोग इकट्ठा होइए, 100 लोग, 500 लोग जैसे हॉल में बैठे हुए इकट्ठा होइए, पुलिस कमिश्नर से मिलिए। अगर आपको चाहिए होगा तो लोढ़ा जी के पास मेरा नंबर है, मैं ऑर्डर भी भेज दूंगा, न्यूज की लिंक भी भेज दूंगा। जब जब गाजियाबाद की पुलिस ने एनएसए लगाया, यूएपीए लगाया, सारा डिटेल भेज दूंगा। एक जगह शुरू करा देंगे, फिर पूरे स्टेट में शुरू हो जाएगा। पूरे भारत में पहली बार एनएसए यूपी में लगा और यूपी में गाजियाबाद में लगा, और गाजियाबाद की पुलिस ने लगाया, उसके बाद तो कानपुर की पुलिस ने शुरू कर दिया, आगरा पुलिस ने भी शुरू कर दिया, गोरखपुर पुलिस ने, सारे पूरे राज्य में शुरू हो चुका। ऐसे ही एक बार आपके नगर में लग गया, या संभाजी नगर में लग गया, अहिल्याबाई नगर में कहीं एक जगह लग गया, फिर पूरे महाराष्ट्र में लगना शुरू हो जाएगा। बस शुरुआत करने वाली बात करते, फाउंडेशन की नींव रखने की बात है। सेम यही घुसपैठ का भी है। घुसपैठिए आ रहे हैं, यहां बस रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये, 10 से 15 हजार रुपए खर्च करके वो यहां के नागरिक बन जा रहे हैं, उसके बाद आप ही के टैक्स के पैसे से मुफ्त का मकान ले रहे हैं, आपके टैक्स के पैसे से मुफ्त का राशन ले रहे हैं, आपके टैक्स के पैसे से मुफ्त की दवाई ले रहे हैं, सारा क्यों? क्योंकि राशन कार्ड गरीबी रेखा से नीचे वाला बनवाते, इसलिए सारी सुविधा, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त वजीफा, मुफ्त मकान, मुफ्त दुकान, मुद्रा लोन, आयुष्मान कार्ड, सब कुछ ले रहे हो। उनके खिलाफ आवाज उठाइए, नहीं तो पर्सिया 100 साल में ईरान बना था, गंधार 100 साल में अफगानिस्तान बना था, कैके 100 साल में पाकिस्तान बना, बाकी तो छोड़ दीजिए।